नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा काफ़ी अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत बुरी खबर देने जा रहा हूँ। बुरी खबर यह है कि 15-20 दिन पहले खुशी ने अनुष्का से जो डिवोर्स के जो पेपर्स अपने कब्जे में लिए थे, ने बोला ना, इस पे तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन तू बोल रही है ना, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? और आज ये होने के बाद में अगर तू खुश रहेगी ना, तो कोई बात नहीं। ये देख, फाइनली ना उस पहाड़ के नीचे तेरी तू दूर ही रहे, तू तो बोली मत। क्यों ना बोलूं? इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरा पूरा हक है बोलने का। क्या हक है तेरा पूरा बोलने का? कुछ हक नहीं है, ठीक है? कुछ हक नहीं है, कुछ हक नहीं है। ये बकवास मत कर, ठीक है? वो तो पता चल जाएगा मेरा हक है या नहीं है। देख, ठीक है, देख ले और इस चुड़ैल को बता दे, सारा कुछ देख ले, सही है गलत है, देख के इसको दे और बात खत्म कर। और जिस चीज का हमें बहुत बेसब्री से हम लोगों को जो डर था, वो डर यही था कि उसी को लेके खुशी जो है वो एक नया केस करने जा रही होगी या नया केस कर दिया होगा। लेकिन पिछले 15-20 दिन से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम सब लोग बैठे हुए थे कि यार खुशी शायद ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। खुशी ने तो जिस दिन अनुष्का से जो फाइल अपने कंट्रोल में ली थी ना, उसी टाइम खुशी ने वो काम कर दिया था, जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। वो तो ड्यू टू कोविड जो नोटिस था, वो नोटिस लास्ट 1-2 दिन में ही अर्जुन के पास पहुंचा। और वो बात भी जो अर्जुन ने कहीं ना कहीं, अर्जुन ने हमें पता नहीं क्यों नहीं बताई उस चीज़ को लेके, वो मुझे बात आज ही पता चली कि उसको जो उसकी जो दूसरी जो शादी थी उसका जो डिवोर्स का जो नोटिस है वो उसको मिला हुआ है, कल या परसों में मिला, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता उसको कब मिला, लेकिन वो चीज़ उसने 1-2 दिन हमसे डिले छुपाई, हमें क्यों नहीं बताई। तो उस चीज़ को लेके मैंने उसको बुलाया है कि चलो थोड़ा सा उस पर गुस्सा करेंगे और उससे पूछेंगे कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तेरे सर पर एक और आ गई और वही प्रॉब्लम तूने हमसे छुपाई क्यों। तो उस पर टॉपिक पर हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। तो आने दो अर्जुन को, अर्जुन को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि तू पार्क में आ जा, पार्क में आके हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि भाई उस नोटिस में क्या क्या चीज़ें उस नोटिस में लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो कि अर्जुन के अगेंस्ट खुशी ने एक नई चाल के रूप में कोर्ट में किया है। क्योंकि हम लोगों को तो ये लगा कि शायद जो मैटर है वो मैटर सॉल्व हो गया होगा, खुशी शायद ऐसा कुछ नहीं करेगी, खुशी ने वो सब चीज़ों को ईजी वे में ले लिया होगा। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है भाई। अरे क्या हाल चाल अर्जुन भाई? बस ठीक है। वो ठीक है भाई? ठीक है भाई, ठीक। कैसा चल रहा है भाई जिंदगी में? झंड झंड क्यों? अभी तक झंड खत्म हुई नहीं है, पिछले मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ झंड पे नई पे नई झंड, नई से नई बवंडर, सारा कुछ ये तेरे नाम से ही क्यों आते हैं? पता नहीं, भगवान ने जब मुझे जन्म दिया ना, तो उसने सोचा रहेगा कि यार चलो सभी सभी बंदों को क्यों बिगाड़े, बस एक को ही बिगाड़े। मतलब एक ही सब कुछ बिगाड़ दो, एक का ही सब कुछ गलत कर दो। एक होता है ना कि हमारे घर में कचरे का डब्बा होता है तो हम कचरा वहीं पे डालें, तो भगवान ने भी शायद ये सोचा। मतलब क्योंकि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है, अभी 1 हफ्ते पहले ही गुंडों वाला कांड अभी तक शांत नहीं हुआ, तेरी 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर एक नई प्रॉब्लम जो तेरी लाइफ में आ गई, जो कि तूने हमें बताई नहीं, वो भी मुझे किसी दूसरे बंदे के थ्रू पता चला कि भाई जो डिप्रेस है वो एक नई टेंशन और आ गई है, उसके कारण भी डिप्रेशन है। नई प्रॉब्लम कौन सी वाली? अच्छा, आपको रियलाइज़ ही नहीं है, आप अभी रियलाइज़ ना होने का ड्रामा कर रहे हो मेरे सामने। अभी एक बात बताओ, जब बंदा ऑलरेडी इतने सारे कांड में फंसा हो ना, तो उसको कितने कांड आते हैं खुद को पता नहीं रहता। अच्छा, अभी आप कौन से, मुझे नहीं पता नहीं इस चीज़ को बारे। जो खुशी ने जो तेरे को नोटिस भिजवाया है कोर्ट के थ्रू, जो तूने दूसरी जो शादी की थी अनुष्का के साथ, जो तूने जो डिवोर्स पेपर में जो साइन किया था कि ऑलरेडी एक वाइफ होने के बावजूद भी जो तूने दूसरी जो शादी की है उसका जो एविडेंस, उसका जो कांड है, उस कांड को लेके भाई मैंने, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि भाई जब वहाँ पे तू घिरा हुआ था गुंडों वाला, एक और नया कांड। मतलब भगवान भी मुझे लगता है कि भैया कहता हुआ यार एक और अर्जुन लाल परिहार, जितनी भी प्रॉब्लम है ना स्टेप बाय स्टेप चले जाओ उसके दरवाजे पे। मुझे तो ये लगा था कि तूने रूम चेंज कर दिया है
तो शायद प्रॉब्लम अब तेरा घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि तेरा रूम कहाँ पर है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ तक भी पहुँच गई यार। पता है जब बंदे के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसा समझो कि जो शेर मतलब चित्ता होता है, शेर होता है, वो पिंजरे में होता है ना, कुत्ता बन जाता है। तो इसी तरह मेरी हालत है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मैं क्या बताऊँ, बताऊँ तो बताऊँ क्या यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं। आपको क्या बताऊँ कि वो तो कांड होना ही था। जिस दिन मैं चिग्नेचर करके दे रहा था उसको, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि ये आगे मेरे साथ होने वाला। उसने कौन सी धारा लगाई है पता नहीं, पता नहीं मुझे धारा पता नहीं, लेकिन कोई 4 साल की सज़ा की बात हो रही है पता नहीं, ऐसा ऐसा कुछ। वो भी मेरे को वकील से भी मैंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन वकील मेरा बाहर गया हुआ है 2-3 दिन से। तो जैसे ही मिलेगा मैं बात करूँगा, और चुड़ैल से भी बात करूँगा कि वो चाहते ही क्या है इसे। मैंने तो उसको सारे डायरेक्टली बोल दिया कि मेरे को डायरेक्टली जेल ही भेज देना यार, ख़त्म कर किस्सा। तू केस वेस FIR मत, तू चाहती क्या, डायरेक्टली रिजल्ट पे आते हैं। लेकिन वो रिजल्ट भी देना नहीं चाहती। मैं तो जाने के लिए तैयार जेल रेडी हूँ मैं भाई। जेल जाने से रास्ता नहीं है ना, जेल जाने का जो तेरे माँ बाप है उनका क्या होगा ना यार, जेल जाने का रास्ता नहीं है ना। ऐसा ही समझ, मेरे मम्मी पापा ये समझेंगे कि उसके लिए एक बेटा मर चुका है। तो नहीं ना, तो यही चीज़ तो नहीं, हम ये चीज़ हम नहीं होने देंगे ना यार, ये चीज़। तो अभी भाई देखो मेरी बात, खुशी से भाई तू प्यार से बात कर। देख अब उसने जो चीज़ करना था वो तो कर चुकी है, और मुझे पता है अब प्यार से तो वो मानने वाली है नहीं। अब वो कुछ ना कुछ आप तेरे सामने या तो कुछ डिमांड रखने वाली है या कुछ करने वाली है। तो भाई जो भी वो डिमांड रखने वाली है, जो भी कुछ कांड करने वाली है भाई, उसकी हाँ में हाँ मिला लेना यार। जहाँ मैं जो 5-6 केस तू लड़ रहा था, वहाँ पे यार एक केस और बढ़ जाएगा भाई। क्यों ज़िंदगी अपना जहन्नम क्यों बना रहे यार अपनी ज़िंदगी भाई। मतलब ये तो वही वाली बात होगी भाई, दुश्मन से मतलब झुक के उसकी डिमांड पूरी कर लो और पीछा छुड़वा दो। भाई देख टाइम इतना ख़राब है आज की डेट में, देख तू समझ नहीं रहा। देख गुंडे हो गए, तू कोर्ट में तारी भुगतने जाएगा, गुंडों को पता चलेगा कि भैया इस कोर्ट में जा रहा है, तो तेरी जान पे भी तो खतरा है ना मेरे भाई। यहाँ तो तू छुपके रह रहा है, किसी ना किसी रूम को तूने बताया नहीं, लिमिटेड लोगों को पता है कि तेरा रूम कहाँ पर है, तो गुंडे तेरे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोर्ट का तो सबको एक ही पता है कि एक ही रास्ता और एक ही आने का जाने का रास्ता है। कल की डेट में गुंडों को पता चल गया कि भैया उनको अगर बस उनको बस ये पता करना है कि तारीख कौन सी तारीख पर तुझे वहाँ पहुँचना है, वो तेरी फील्डिंग लगाएंगे कोर्ट के सामने। भाई तू समझ भाई, चीज़ों को इतने हल्के में मत ले। उस देख जिंदगी रही तो यार सारे काम कर लेंगे ना, सुख दुख की सारी बातें कर लेंगे। आज वो गलत है उसके सारे सवालों के जवाब भी ले लेंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी रही नहीं तो यार फिर ये सारी बातों की क्या वैल्यू भाई, सही गलत की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रहेगी भाई। तो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले खुशी से मिल के उसे तसल्ली से बात कर ले, और कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर। उसकी कोई डिमांड है तो डिमांड जानने की कोशिश कर, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट में ना जाके आउट ऑफ द कोर्ट क्या वो फैसला करने के लिए तैयार है। वो नहीं करने वाली भाई, वो नहीं करने वाली। तुम जो बोल रहे हो कि एग्री उससे प्यार से बात करो, मैं बहुत कर रखा हूँ यार, नहीं मानने वाली भाई। अब हमारी प्रॉब्लम है ना, पहले गुंडों वाला सीन नहीं था ना, कोर्ट में अगर गुंडे तैयार हो गए थे। अरे गुंडों वाला सीन भी काफ़ी टाइम से है भाई, लेकिन उसको कोर्ट वगैरह उनको नहीं, हाँ वो अगर पता नहीं उसको पता चले बात अलग है, लेकिन ये गुंडों वाला भी काफ़ी टाइम से नहीं बोल सकते, लेकिन 3-4 महीने से, वो भी 4-5 महीने हो गए उसको। देख अर्जुन, मेरे से जो मिलने आए थे ना वो फुकरे थे, कुपोषण के मरीज थे, वो सिर्फ भूखने वाले थे, समझ गया। लेकिन तेरे पास जो आएंगे वो मरीज है ना, मरीज मैं समझो उनको, मरीज समझ रहे हो तुम। मतलब क्या, एक बंदा तुम्हारे पास आया चुगड़ा सा मरने वाला, उसके पावर नहीं है उसको, वो कराठा वराठा सीख के आए, उसके जेब में भी हथियार रहता है, यहाँ पे भी हथियार रखा है, तुम मत समझो भाई। मैंने गुजारा है ना कुछ दिन उनके साथ, मुझे पता है ना भाई। चलो मैंने मान लिया कि वो लोग नशेड़ी है, वो सब लोग है, उनके लिए मरना मारना एक बटन दबाना ही तो होता है, फिर बटन दबाने की ताकत की जरूरत है, तो मैंने मान लिया तेरी बात। लेकिन भाई मैं नहीं चाहता कि कल की डेट में बड़े बंदे आए और बड़े जो सीरियस जो शार्प शूटर्स होते हैं, जो सीरियस क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग तेरी फील्डिंग लगाए कोर्ट वोट के बाहर या आसपास के रास्ते में, जिससे कल की डेट में कुछ बड़ी घटना तेरे साथ हो जाए। उसको मैं अभी फिलहाल टालना चाह रहा हूँ, क्योंकि माहौल गर्म है, गर्म माहौल में मैं नहीं चाह रहा कि कोई मौके का फ़ायदा उठा जाए। तो इसीलिए मैं सिर्फ तेरे को कहना चाह रहा हूँ कि उसके साथ तू सेटलमेंट मत कर अभी, आउट ऑफ द वे जाके इस मैटर को थोड़ा सा टाला जा सके। तो खुशी से बात कर कि एक देख खुशी, तू क्या चाहती है, तू मुझे अपनी डिमांड बता। क्या पता अब
वो हवा में हो, वो क्या पता अपनी डिमांड बता दे कि वो चाहती क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख यार वो भी नहीं चाहती कि तेरे साथ कोई बड़ा कांड, तेरे साथ कुछ बड़ी गली चीज़ हो। हाँ वो तेरे को परेशान करना चाहती है क्योंकि वो खुद परेशान है, वो तेरे को हरास करना चाहती है। हाँ मैं मानता हूँ कि वो खुद परेशान है, क्या पता एक बार तू बात कर देख। कभी कभी एक दुश्मनों से भी बात करनी पड़ती है ना यार, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, कभी कभी उनकी आपस में बड़ी बड़ी आपस में घुसपैठ चलती है, तो वो लोग आपस में बैठ के एक टेबल पे बैठ के बात तो करते हैं ना कि यार तू अपना काम कर मैं अपना काम करूँ। तो बात करके तो देख, तू पैसों की डिमांड करके देख ना कि यार इतने पैसे ले तू यार मेरा पीछा छोड़, या फिर मैंने कर रखा पैसे डिमांड कर रही है। वो बोला कि तेरे को खरीद लूंगी, रिश्वत दे रहा है, तो अगर वो पैसे की डिमांड नहीं मान रही है तो उसके लिखे लग रहा है कुछ और रीजन होगा ना फिर। अगर वो तेरे को झुकाने के लिए सारे काम करे तो झुक जाना भाई। भाई झुका हुआ हूँ मैं यार उसके आगे। एक बात बोलो, प्यार से मैंने बोला कि आज के बाद में ना गलती नहीं होगी, और जो गलती की तेरे चप्पल तेरे जूते मेरे यहाँ पे मार दे। तो चाहती क्या, कुछ तो चाहती होगी ना यार। जो एक और ठंडे दिमाग से बात करना, देख भाई अभी हम लोग फंस चुके हैं चारों ओर से, और मैं नहीं चाहता कि अभी छोटी जो घटना है वो बड़ी घटना में तब्दील हो जाए। तो मैं तेरे को एक बार फिर कहूँगा कि हाँ पास्ट में उसने सब कुछ किया, हम सब लोगों ने हाथ पैर जोड़े सब कुछ किया, हम बात नहीं बनी, एक बार दोबारा कोशिश कर ले भाई, वरना कोर्ट में तो आमना सामना होना ही पड़ेगा ना यार। तो कोर्ट में फिर हम लोग जाएंगे, फिर हम वकील को फीस पे करेंगे यार, एक और फाइनेंशियल क्राइसिस उससे ज़्यादा कि हम गुर्गो जो दुश्मन है उनको एक एक्टिविटी पता चल जाएगी कि भैया इस कोर्ट में तारीख है, क्योंकि उनके लिए कोर्ट से तारीख पता निकालने में कितना टाइम लगता है। उनको ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे, वो जाएंगे कोर्ट में जाके पता निकाल लेंगे कि भैया इस केस की तारीख कब है। किसी का फोन बिजी है अभी, करेगी मैं बात करूँगा सर अभी, अभी जाके करूँगा। नहीं तो यार वो यार पता है उसकी कमान है ना, उसके हाथ में नहीं है, वो आगे से प्रेशर है उस पर। भाई माना उसकी कमान उसके घर वालों के हाथ में है, उसके घर वालों के कहने पे वो सारे काम कर रही है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो तेरे लिए है। वो शायद 2% हो, 98% वो घर वालों के कहने पे चल रही है। तो भाई 2% का हवाला दे के अभी चीज़ों को टालने की कोशिश कर। देख भाई मैं नहीं चाहता कि छोटे से जो अभी ये जो टाइम है ना, इतना क्रूशल टाइम है ना ज़िंदगी का, इतना क्रूशल टाइम है, इस टाइम भी तू अपने आप को ओपनली जब कोर्ट में जाएगा ना कल की डेट में, और कुछ बड़ा कांड हो गया ना, तो इतनी सारी समझदारी, इतना सब कुछ एक सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये बात तू बता कि कल की डेट में भाई मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि अगर तू मुझे कोर्ट में लेके जाएगी और ये तारीख का पता चल जाएगा गुंडों को, तो गुंडे मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बड़ा सीन मेरे अगेंस्ट क्रिएट करना चाहती है। अगर तू मुझे मारना चाहती है ना तो अपने हाथ से मुझे मार दे, तू साफ साफ बोल, तू यही चाहती है, तू मुझे मारना चाहती है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तेरे हाथ से मरूंगा, एटलीस्ट तेरे को मन में तो शांति रहेगी ना। उन गुंडों के हाथों से मरवाने से अच्छा तू अपने हाथ से ही मुझे मार ले, कम से कम तुझे तो ये लगेगा ना कि तेरे तू तो खुश हो जाएगी, मैं और मेरे घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं भी यार मुझे तो खुशी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे तू बैठ के बात कर, और ये जो कोर्ट का जो मैटर है ना फिलहाल 2-3 महीने के लिए आगे पोस्टपोन करा ले, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें, वरना भाई साहब ये ज़िंदगी में ना आगे चल के भाई कभी भी कुछ भी बड़ा कुछ हो सकता है भाई, क्योंकि मुझे ना कहीं उन वो लोग कुछ बड़ा कर देंगे, क्योंकि वो लोग आए थे समझाने के ऊपर, तो समझा के जा चुके हैं, अब वो अगली बार आएंगे सिर्फ एक्शन करने, और कुछ ना कुछ बड़ा बवंडर करके ही जाएंगे ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में यार पहले ही सब कुछ इतना गलत चल रहा है ना, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे तो बस यही लग रहा है कि आगे चल के कुछ बड़ा सीन क्रिएट होगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी का भी ऊपर नीचे ना हो जाए एक झटके में सब कुछ, और हमारी समझदारी सारी यहीं की रखी रह जाएगी। तो भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने बड़े भाई की समझो, खुशी के हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, उसको कन्विंस करो कि इस मैटर को आगे ना बढ़ाएं। यार मैं पहले ही तेरे इतने मैटर तूने ऑलरेडी मेरे पे चेप रखे हैं, इस मैटर को आगे ना बढ़ाएं, इस मैटर को यहीं कहीं रोक दे, क्योंकि मेरे तू साफ साफ खुशी को बता दे कि यार वो चीज़ें हैं, एटलीस्ट पता तो चल जाए कि वो गुंडे क्या खुशी के तो भेजे नहीं है, अगर उसके भेजे होंगे तो वो खुद बता देगी, नहीं भेजे होंगे तो एटलीस्ट वो कुछ तो इंसानियत रखेगी कि कल की डेट में, क्योंकि उसके मन में कहीं ये तो है कि चल तू दुश्मन है, तो ये बोलना कि
अपने हाथों से मारना है यार, किसी दूसरे के हाथों से क्यों मरवा रही है मुझे? किसी दूसरे के हाथों से मैं मरूंगा तो तुझे क्या फ़ायदा होगा? तू तो अपनी दुश्मनी मुझसे नहीं निकाल पाएगी। तो उससे इंसिस्ट करे कि इस मैटर को, कोर्ट वाले मैटर को फ़िलहाल 2-3 महीने के लिए आगे पोस्टपोन कर दे, वरना आगे चल के भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, जाए फोन वोन लगे तो मैं बात करता हूँ, करता हूँ यार, क्या करूँ यार, मैं तो काफ़ी करता नहीं है। तूने भाई उसको रिक्वेस्ट करनी है, उसके हाथ पैर जोड़ने, तूने मर्जी जो मर्जी करो, लेकिन तूने ये मैटर को फिलहाल 2 महीने के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड करना है यार। जब तक हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी तो शायद हम कुछ बड़ा सीन क्रिएट हम कर पाएं। अभी भाई देख, हम कहीं ना कहीं, अब तुझे भी खुद पता है कि कहीं ना कहीं तुझे जो काम कर रहा है तुझे आज की डेट में कहीं ना कहीं हिडन करके चीज़ें कर रहा है। पहले की तरह तू अब खुला सांड होकर कहीं नहीं घूम रहा फिर रहा, क्योंकि तू भी नहीं चाहता कि भैया कोई भी जो बात है बड़े लेवल पे जाके फैले। तो भाई ये मैटर की जो सीरियसनेस है उसको समझाने की कोशिश करिए खुशी से, क्या पता खुशी मान जाए, अगर मान जाए तो क्या पता चीज़ें सॉल्व हो जाए। भाई मैं तो भाई यही कहूँगा, बाकी जैसी सिचुएशन देखो वहाँ पे ठीक लगे खुशी के साथ जब तू बात करेगा तो तू यार वैसे तू डील कर लियो सिचुएशन भाई। चल ठीक है, तू निकल जा, तू ठीक है भाई, और आराम से जाइए, आगे पीछे नज़र रखियो कोई। गाइज आपने देखा, मैंने काफ़ी डिस्कशन किया अर्जुन के साथ, खुशी ने अर्जुन के अगेंस्ट एक नया कोर्ट में केस डाल दिया है जिसमें सज़ा का प्रावधान है एटलीस्ट 4 साल, बता रहे हैं कि दूसरी शादी उसने एक बीवी होने के बावजूद उसने दूसरी शादी कर रखी जो कि डिवोर्स हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट केस बनता है जिसका नोटिस खुशी ने अर्जुन को भिजवा दिया है। और अर्जुन को कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी, उसने हमसे इसलिए छुपाया था ताकि वो नहीं चाह रहा था कि एक और प्रॉब्लम हमारी फैमिली तक पहुँचे, क्योंकि हमें जैसे पता चलता है कि अर्जुन के साथ एक नया सीन क्रिएट हो रहा है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं उसको रास्ता निकालने के लिए। तो अर्जुन नहीं चाह रहा था जहाँ पे 10 प्रॉब्लम है वहाँ पे 11वीं प्रॉब्लम भी पता चले, तो इस पर्पज़ से अर्जुन ने हमसे छुपाया था प्रॉब्लम। तो गाइस देखो, एक बार अर्जुन को मिलने दो खुशी से, खुशी मिलने के बाद देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। अगर अर्जुन रास्ता नहीं निकाल पाता है तो उस केस में फिर हम लोग जाएंगे खुशी, और खुशी से फैमिली से 1-on-1 बैठ के बात करेंगे कि भैया चाहती क्या है। ये टाइम दुश्मनी निकालने का नहीं है, ये टाइम इंसानियत दिखाने का है, और ऐसे क्रूशियल टाइम में उसको अभी कोर्ट के चक्कर मत कटवा, वरना उस बंदे के साथ कुछ गलत हो सकता है, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसका टोटली ज़िम्मेदार खुशी तो होगी। कल की डेट में गुंडा ने अगर कोई भी एक्शन लिया कोर्ट में आते जाते टाइम तो उसकी ज़िम्मेदार 1-on-1 तू होगी, तेरे अलावा और कोई नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक बाय।